तो फ्रेंड्स, अगर आप भी न्यूड वीडियो कॉलिंग स्कैम के अंदर फंस चुके होंगे और आपको भी साइबर क्राइम के जरिए यूट्यूब के नाम पर कॉल आता होगा फ्रॉड कॉल, तो उसको किस तरह से बचते हैं, साइबर क्राइम आपको कॉल करते क्या वो सचमुच साइबर क्राइम वाले रहते हैं, यूट्यूब से कॉल आते हो क्या सच में यूट्यूबर रहते, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखो बिना स्किप किए। इसके अंदर मैं आपको पूरी हकीकत बताऊंगा कि जो भी आपके साथ ऑनलाइन स्कैम होता है, आपके साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर स्कैम होता है, वो लड़की के नाम पर स्कैम करते, आपका जो गंदा वीडियो न्यूड वीडियो बनाकर लोग आपको ब्लैकमेल करते, इसके अंदर जो भी आपको साइबर क्राइम के नाम से कॉल आता है, यूट्यूब के नाम से कॉल आता है, तो ये क्या सच रहता है या झूठ रहता है, उसकी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल बामले यूट्यूब चैनल। ही शुरू करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वो भी स्कैम का शिकार ना हो पाए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो पहुंच जाए। फ्रेंड्स, दिन में इस स्कैम के बारे में मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, दिन में 2-3 हज़ार लोगों का मुझे कॉल करते, बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते कि सर मुझे उस वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। सबसे पहले मैसेंजर पर फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजती है, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर मांगती है, व्हाट्सएप नंबर मांगने के बाद हमें वीडियो कॉल करती है और हमारा एक गंदा सा वीडियो रिकॉर्ड करके रखते है। उसके बाद जो क्यूटीयू एप्लीकेशन है, डेटिंग एप्लीकेशन है, उसके जरिए लोग हमें मोबाइल नंबर लेते हैं, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, उसके बाद हमें स्कैम करना चालू देते हैं। मतलब कि जो वीडियो निकालते हैं वीडियो निकाल कर हमारे साथ फ्रॉड करना स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक सच का वीडियो है, जो लोग देखते हैं, जो मतलब जो वीडियो प्ले करते हैं उनके सामने, उनको लगता है कि सच में वो लड़की पूरी मतलब उन्हें कपड़े निकाल दिए। तो मेरी बात सुनो, वो कोई लड़की नहीं रहती, रियल लड़की नहीं रहती, वो सिर्फ एक उनके पास जो कंप्यूटर रहता है, जो फ्रॉड लोग है उनके पास जो कंप्यूटर रहता है, लैपटॉप रहता है, एक टीवी रहता है, उसके अंदर एक वो गंदा सा वीडियो प्ले करके पहले से रखते हैं। उसके बाद क्या करते कि जब भी हम वीडियो कॉल करेंगे तो उसका जो वीडियो है, जो पहले से गंदा वाला वीडियो, म्यूट करके रखते हैं और उनका मोबाइल वो टीवी के सामने रख देते हैं और हमें वो सब जो न्यू वीडियो का जो वीडियो क्लिप है वो प्ले करके दिखाते हैं। हमें लगता है कि चलो ये लड़की है, रियल में लड़की है, तो लड़की बोलते कि ये करो वो करो कपड़े निकालो, तो हम भी कपड़े निकालना स्टार्ट कर देते, सब कुछ दिखा देते, फिर वो लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर भाई लोग, इसके अंदर कोई भी रियल लड़की नहीं रहती, बहुत ही कम लड़की रहती, लेकिन जितना भी मेरे पास केस आया था 100 में से 99% वो लड़की नहीं रहती, सिर्फ एक वीडियो प्ले रहता कंप्यूटर के अंदर, वही हमें दिखा देते हैं। और जब भी वो वीडियो प्ले करते तो आप एक बात ध्यान रखो कि जो भी उनका जो म्यूट करते, जो वीडियो कॉल है उसका आवाज म्यूट करते, लड़की आपको आज तक कॉल पर नहीं बातें करती, सिर्फ चैटिंग के जरिए बातें करते हैं, तो आप समझ जाओ कि जिस लड़की से आपने कभी बातें नहीं की, उसने आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद फिर भी आप उनको क्यों पैसे दे देते हो। उसके बाद जैसे ही वो लोग आपका रिकॉर्ड करते, आपका जो न्यू वीडियो रिकॉर्ड करते, उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, तो उसी टाइम वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो फेसबुक का जो फ्रेंड लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट मार के रखते हैं। उनको पता कि इसके साथ फ्रॉड करने का है, इससे हमें पैसा लेना है, तो सबसे पहले वो लोग जो भी न्यूड फोटो है उससे पहले जो भी वो आपका फेसबुक का जो फ्रेंड लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट मार के रखते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए हमें बोलते हैं कि इतना पैसा दो वीडियो डिलीट करना होगा, तो हम भी मतलब घबरा जाते हैं वीडियो वायरल ना हो, तो हम भी पैसा देते हैं। लेकिन पैसा देकर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक बार पैसा दिया तो बार बार पैसा मांगते हैं, बार बार ये चार्ज वो चार्ज ऐसे बोलते हैं, वो लोग क्या बहुत सारे लोग उनको ट्रांजेक्शन कर देते हैं फोन पे गूगल पे के जरिए, लेकिन वो बोलते कि नहीं आपको एक साथ ट्रांजेक्शन करने का था, हाफ ट्रांजेक्शन करने का था, ऐसे आपको चुतिया बनाएंगे, बहुत सारा कुछ भी बोलते रहते हैं, आप उनके झांसे में मत आओ, आप उनको पैसा मत दो। लेकिन बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखने से पहले उनको पैसा दे देते हैं, तो जाने दो, एक बार गलती हो गई टेंशन मत लो, अगर आपने बाय चांस उसको पैसा दिया है तो डरो मत। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फेसबुक का जो भी आपका आईडी होगा और उसका वो लड़की का आईडी होगा उसको ब्लॉक करना है। उसको ब्लॉक करने के बाद तुरंत ही आपका फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट करना है। फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, उसका वीडियो यूट्यूब के अंदर आपको मिल ही जाता है, हाउ टू डीएक्टिवेट फेसबुक प्रोफाइल। डीएक्टिवेट कर दो, पूरा डीएक्टिवेट करो, आपका फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट करो, ओनली भी करो। और फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कैसे करते हैं आपका, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो मिल जाएगा, या फेसबुक पर या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि फेसबुक का फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कैसे करते हैं या फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ें कर दो, आप सेफ रहोगे। मतलब कि जो भी आपका फेसबुक का आईडी है वो लड़की लोग देख नहीं पाएंगे, वो जो स्कैमर है, जो ब्लैकमेल लोग है, वो फेसबुक के अंदर आपको देख नहीं पाएंगे, तो आपको भेजेगी भी नहीं, तो आपका वीडियो आपके घर वालों तक भेजेगा भी नहीं, मतलब 99% चांस से नहीं भेजते।
लेकिन जो लोग पैसे दे देते हैं उनका वीडियो वो आपके घर वालों तक भेजने का सिर्फ 1% चांस है, क्योंकि आप लोगों ने अगर पैसा दे दिया तो उनको लालच लग जाता है, तो बार बार पैसों के चक्कर में वो आपके घर वालों को पैसा भेज देते हैं और आप घबरा जाते हो और आप उनको और पैसा देते हो। तो आपको पैसा नहीं देना। अगर कुछ भी हुआ, अगर आपको इसके ऊपर और भी जानकारी चाहिए तो मेरा नीचे नंबर है 93560 वाला, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मतलब कभी भी कॉल मत करो, जब आपको टाइम मिलेगा रात को भी इतना कॉल मत करो, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम या शाम को टाइम आप कॉल कर सकते हो। और आप ऊपर देख सकते हैं कि 8149624338 ये मेरा गूगल पे फोन पे नंबर है, ये मेरा गूगल पे फोन पे नंबर है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि ऐसे में आपको लगता है कि मैं ऐसे आप लोगों के लिए कंटेंट वीडियो बनाते रहूं, तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं। याद रखो कि आप घर से पैसे मांगकर मुझे डोनेट मत करना। जब भी आप जॉब पर जाओगे, अगर आपके पास खुद पैसा होगा, खुद का पैसा, तभी डोनेट कर लेना। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप डोनेट मत करना, कुछ भी मत करना। बहुत सारे लोग रहते हैं कि घर से पैसा मांगकर डोनेट करते हैं, वैसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके पास, आप जॉब करते हो, अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप डोनेट करो। अगर नहीं किया डोनेट फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि फिर देखो दिन में इतना मेरे कॉल आते हैं, 5-6 हज़ार लोगों का कॉल आता है दिन में अभी, तो सबका उठाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो बहुत लोगों का उठाता हूँ, बहुत लोगों का मिस भी हो जाता है, लेकिन टेंशन मत लो। जिन लोगों को कॉल नहीं उठाया उन लोगों को बाद में कॉल कर ही देता हूँ मैं, तो थोड़ा वेट करो भाई लोग, मैं आप लोगों का सबकी हेल्प करने वाला हूँ, टेंशन मत लो, सबको हेल्प करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा मेन मुद्दा है कि हमने उस लड़की को ब्लॉक किया व्हाट्सएप के जरिए, तो हमें साइबर क्राइम के नाम से कॉल आते हैं, बोलते कि मैं विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, विक्रम राठौड़ बोल रहा हूँ, हेमंत मल्होत्रा साइबर क्राइम ब्रांच न्यू दिल्ली, ऐसे कुछ भी बोलता है। ये सब कह रहे थे कि जो ट्रू कॉलर रहते हैं, ट्रू कॉलर के अंदर नाम आता है, ट्रू कॉलर के अंदर जो नाम आता है कि हेमंत मल्होत्रा साइबर क्राइम, तो आप डर जाते हो। याद रखो कि जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट का एप्लीकेशन नहीं है। ट्रू कॉलर के अंदर हम जो भी खुद का नाम रखेंगे वही नाम आएगा। तो ये जो फ्रॉड लोग हैं, स्कैमर लोग हैं, वो क्या करते हैं कि ट्रू कॉलर के अंदर जाकर अपना प्रोफाइल फोटो पहले से चेंज करते हैं, यूट्यूब का रखते हैं, पुलिस का रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, और वहाँ पर ट्रू कॉलर के अंदर ही नाम और एड्रेस रख देते हैं। फिर जब भी वो कॉल करेगा तो आपको लगेगा कि ये साइबर क्राइम से बंदा है, आप डर जाते हो। ऐसा डरने का नहीं, ये सब फ्रॉड लोग है। आप ही सोचो कि आपका नंबर उस लड़की के पास था, फिर ये साइबर क्राइम के पास कैसे जाता है, फिर यूट्यूबर के पास कैसे जाता है, तो ये सब मिली भगत ये लोग ही रहते हैं। फिर साइबर क्राइम वाला बोलेगा कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली, आप इतना पैसा भरो, आपका फाइल क्लोज करना है, या बोलता है कि आपका वीडियो यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पर वायरल होने जा रहा है, आप यूट्यूबर से कॉल करो, यूट्यूबर का नंबर देते वो लोग, तो यूट्यूबर को कॉल करेंगे तो वो लोग बोलता है कि अगर डिलीट करना है तो चार्ज लगेगा, इतना पैसा भरो, उतना पैसा भरो। ये सब साइबर क्राइम, यूट्यूब, ये सब फ्रॉड चालू है। साइबर क्राइम के नाम पर ये लोग फ्रॉड करें, यूट्यूबर के नाम पर फ्रॉड करें। यूट्यूब बहुत बड़ी कंपनी है, यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है, यूट्यूब किसी को कॉल नहीं करती, आज तक यूट्यूब ने किसी को कॉल नहीं किया। तो ये सारे जो लोग हैं सब फ्रॉड लोग हैं, उसका आप टेंशन मत लो। यूट्यूबर को भी पैसा मत देना, साइबर क्राइम को भी पैसा मत देना, सिर्फ उनको गाली देना। उनको बोलो कि मैंने मेरा जो नजदीक का साइबर क्राइम ब्रांच था उसके अंदर मैं कमेंट कर चुका हूँ, तुम लोग की कमेंट कर चुका हूँ, अगर तुम लोग साइबर क्राइम से होगा तो मुझे कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम लोग की, तुम लोग का मैं कमेंट कर चुका हूँ, और उसको माँ बहन का गाली दो, उसके बाद वो कॉल ही नहीं करेगा। और हो सकता है कि फ्रेंड 1% चांस है कि वो आपके फैमिली को वो वीडियो भेज दे। अगर भेज भी दिए आपके फैमिली के अंदर वीडियो, तो जो भी मैसेजर के जरिए वीडियो भेजते हैं वो आपके फैमिली के डायरेक्ट मैसेंजर के अंदर नहीं आता, वो पहले स्पैम फोल्डर में जाता है। तो स्पैम फोल्डर को अगर आपने ओपन नहीं किया 5-6 दिन बाद, वैसे भी स्पैम फोल्डर को देखता भी नहीं, 4-5 दिन ओपन नहीं किया स्पैम फोल्डर को, तो ऑटोमेटिकली वीडियो डिलीट हो जाता है। तो उसका टेंशन मत लो फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। आप उनको पैसा मत दो, अगर पैसा दिया तो उनको लालच लग जाता है और बार बार पैसा मांगते हैं, उनको पैसा देने का नहीं। अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी सवाल होगा तो डायरेक्टली मुझे कॉल करो। सिर्फ आप साइबर क्राइम के नाम पर जो फ्रॉड चले, यूट्यूब के नाम पर जो फ्रॉड चले, उन लोगों को पैसा मत देना, वो बिल्कुल ही फ्रॉड है, वो सब इन्हीं का गैंग रहता है। और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो 3-4 दिन वो लोग वीडियो रखते हैं उनके मोबाइल के अंदर, फिर वो भी सोचते हैं कि अगर ये मुझे पैसा नहीं दे रहा, इसके वीडियो रखकर क्या करेंगे, तो खुद ना खुद आपका वीडियो डिलीट मार देते हैं। तो आप टेंशन मत लो, उनके ऊपर वीडियो कब डिलीट मारना, अगर नहीं मारा फिर भी कोई बात नहीं, ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, कितना दिन रखेंगे। और ये जो वीडियो रखने की चीज़ भी नहीं, क्योंकि उनको भी घर वाला है, परिवार वाला है, तो ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा दिन रखते नहीं। जब तक पैसा मिलता है तब तक पैसा हमसे निकल देते हैं, बाद में वीडियो डिलीट कर देते हैं, और उसका टेंशन मत लो। बस फ्रेंड्स मुझे आप इसके अंदर ये बताना था कि जो विक्रम गोस्वामी है, महेंद्र मल्होत्रा, कुछ भी ऐसा, विजेंद्र सिंह, कुछ भी बोलते हैं वो, ट्रू कॉलर पे जो नाम लिख के आता है वो आपको लगता है कि सही है, लेकिन ये सब गलत है, ये सब फ्रॉड लोग, उनके आदमी लोग रहते हैं। तो आप उनसे बचकर, और टेंशन मत लो, पैसा मत दो अगर पैसा दिया। और बहुत सारे मेरे भाई लोग ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने जाते हैं वहाँ पर लिखते हैं साइबर क्राइम गवर्नमेंट.in,
लेकिन वहाँ पर वो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर कंप्लीट नहीं करते, एक प्राइवेट वेबसाइट रहता है एडवोकेट लोगों का, वहाँ पर कंप्लीट करते। फिर वो बोलते कि आप गवर्नमेंट के जरिए करना चाहते हो, प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट करना चाहते हो 7,000 दो, गवर्नमेंट करना चाहते हो तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। ये सब चुतिया बनाते आपको, घर पे कोई भी पुलिस नहीं आती। मैंने भी बहुत सारा फ्री में किया है, घर पे कोई भी पुलिस नहीं आती। और जो प्राइवेटली करते वो भी मत करो, कुछ नहीं होता, ये लोग कुछ नहीं करते। अगर आपको कंप्लीट करना है तो cybercrime.government.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर करो। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है कुछ हो, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम में, उसके अंदर फ्री में कंप्लीट हो जाती है। जैसे फ्री में कंप्लीट कर दोगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलता है, वहाँ पर आपको एक रुपया भी चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर फ्री में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वालों का कॉल आता है, जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है वो बोलते कि आपने कंप्लीट किया था। तो अगर आप बोले हाँ, तो बहुत सारे लोग बोलते कि सर मुझे कंप्लेंट कैंसिल करना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पुलिस से डरते होगे तो आप एक साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट कभी भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेंट तो कर देते हैं उनका स्कैम होने के बाद, लेकिन जब पुलिस का आपको कॉल आता है, बोलेगी पुलिस बोलेगी कि आपको एप्लीकेशन लिख के देना होगा या पुलिस स्टेशन में आना होगा वेरिफिकेशन के लिए, तो ये लोग डर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग मुझे बताते हैं, मुझे कॉल करते कि सर पुलिस वाले बोलते कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मैं उनको बोलता कि अगर जाओ, अगर आपको कंप्लेंट आगे लेके जाने तो जाओ वहाँ पर जाओ, लेकिन वो डर जाते हैं, पुलिस को डर जाते हैं, तो बोलते सर मुझे मेरा कंप्लेंट कैंसिल करना है। तो उस स्थिति में अगर आप डरते होगे घर वालों से या किससे भी डरते होगे तो आप कंप्लेंट मत ही करना, क्योंकि आप बाद में तो कैंसिल करना, क्योंकि आप में काफी लोग बाद में बोलते कि मुझे कैंसिल करना है कंप्लेंट, तो इससे अच्छा कि आप कंप्लेंट करो मत। सिर्फ आपको वीडियो का मतलब है, वीडियो कहीं पर भी नहीं जाएगा। और याद रखो कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो अपलोड नहीं होता, अगर वो भी हो गया 3-4 घंटे बाद, 1 या 2 दिन बाद वीडियो तुरंत ही डिलीट हो जाएगा, इसको कोई भी देखेगा नहीं। अगर हो भी गया अपलोड तो कोई भी देखेगा नहीं, वायरल भी नहीं होगा, और ऑटोमेटिक उनका सिस्टम पहचान लेकर वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। आप चिंता छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो, ये कुछ नहीं होता, वीडियो कहीं पर अपलोड नहीं होता है, सारे लोग स्कैमर है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे को डोनेट कर सकते हो। ऐसे अगले बार धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।